सरकार बनते ही उन्होंने शिक्षा मंत्री जो बनाया, जो चर्चित भ्रष्टाचार नियुक्ति घोटाला में जो शामिल रहे हैं, उनको उन्होंने शिक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी देने का काम है। जिस दिन ऑफिस ज्वाइनिंग होती है उस दिन उनका रिजिग्नेशन आता है और फिर एक नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है जिसके कार्यकाल में खुद भी घोटाले हो रखे हों और जिनकी पत्नी के ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर। हम तो चाहेंगे कि बिहार बदहाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार जो लोग खजाने लूटने वाले लोग हैं उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और संरक्षण जांच के नाम पे जीत। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, हम तो चाहेंगे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। हर बात पे मुख्यमंत्री का जवाबदेही होना चाहिए, चाहे जो भी घटना ये फैसले लिए गए, ये मुख्यमंत्री का फैसला, मंत्रिमंडल का गठन करना, मेवालाल को मंत्री बनाना, ये मुख्यमंत्री का फैसला था। तो मुख्यमंत्री के मुंह में दही क्यों जमा रहता है ये बिहार की जनता जानना चाहती है। 60-60 घोटाले होने के बाद भी इनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके उनके परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप है, इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप लोग तो सब लोग जानते हैं, हम लोगों पे सवाल उठाते थे, अंतरात्मा जागती थी, नैतिकता की बात होती थी, गवर्नर हाउस पहुंच जाया करते थे। अब थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं बची है। जनता ने अपना जनादेश दिया, चोरी से आए तो भी तीसरे नंबर की पार्टी रहकर के रह गए। और अद्भुत है, देश में ऐसा कोई पार्टी होगा जो तीसरे नंबर पे जिसका मुख्यमंत्री है। यानी ये जनादेश साफ तौर पे, जो लोग कहा करते थे कि हमारे बलबूते आए हैं विधानसभा, हम नहीं रहते तो जीतते नहीं, तो अब इसका जवाब जनता ने दे दिया। तो हम लोग कितना भी कुछ भी षड्यंत्र रचा गया हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और लगभग 23% से भी ज्यादा वोटे, जहां बीजेपी को 19% वोटे आई, वहां राष्ट्रीय जनता दल को 23% वोटे आई। कितना भी जोर जबरदस्ती किया गया हो, षड्यंत्र रचा हो, फिर भी हम लोग जो है 75 सीटों पर जीतने का काम किया। तो हम लोग तो चाहेंगे कि दर्जनों ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और कई संगीन आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग जो बालिका गृह में लिप्त पड़े थे, उनको भी उस वक्त जो है संरक्षण दिया गया। हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी नीतीश कुमार जी में कोई सुधार नहीं रहा, कोई लोक लज्जा नहीं बची। तो अब जनता जो है वो देख रही है, अब जनता जवाब देंगे। आप लोग भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप पर मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, जब भी ऐसा कोई मामला आता है नीतीश कुमार कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी ऐसे ही मामले दर्ज है इन्हीं धाराओं में, क्या आप जो बतौर नेता प्रतिपक्ष है उसे वो पदभार ग्रहण करेंगे? एक बात बताइए, हम मंत्री कब थे, उप मुख्यमंत्री कब थे, 2015 से? क्या मेरा उप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई गंभीर आरोप लगा है? ये तो तब के पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र वाले केसेस हैं, जब मेरा मुंह नहीं था, ये तो जग जाहिर है। और हमने तो कई बार कहा है, और पिछले ही विधानसभा में पिछले सेशन का जो रहा, तो हम पहला व्यक्ति है जो कहता रहा कि भाई जल्दी चार्जशीट करो, जल्दी चार्जशीट करो। तो हम तो लगातार कहते रहे और मामला को डाइल्यूट करना, जो ईमानदारी से जनता के सवाल को उठा रहा है, जो जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये तो चाहते हैं ऐसे लोगों को बदनाम करना। और ये तो इनकी पॉलिसी रही, पॉलिसी नहीं बल्कि वर्किंग स्टाइल रहा है
कि भाई लोगों के मन में एक गलत परसेप्शन, एक धारणा पैदा की। लेकिन आप बताइए ना, हमारे खिलाफ तो किसी आईएएस अधिकारी ने नहीं बोला। हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री को, भैया हम 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, 3-3 डिपार्टमेंट रहा, एक आरोप सिद्ध कर दो। सुशील मोदी जी कहाँ रह गए, क्यों नहीं सिद्ध कर पाए? उनको तो बयानबाजी के लिए वो कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, वो सब जानते हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी जवाबदेही है कि नहीं है जनता के प्रति? जोर जबरदस्ती जैसे तैसे जो भी बने हो, अब लेकिन बन गए हैं तो जवाब तो देना उनका फर्ज बनता है। और ये तो अद्भुत है, आज हमारा शपथ है, शपथ से पहले इस्तीफा मांग रहे। देश में पहली ऐसी घटना है जहां विपक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या होता है? पहले ही सरकार चोर दरवाजे से आई है, पुराना इतिहास भी चोर दरवाजे का है, इस बार भी चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जो जनादेश दिया इसमें महागठबंधन की जीत हुई है। फिर भी जो भी हमारी जिम्मेदारी है, रोजगार बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए, तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 1.24 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। नहीं, भले ही जनता का जो जनादेश है जिसकी इन्होंने आयजा करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकते। हमारी लड़ाई है, हमारी जिम्मेदारी है। चाहे हम पक्ष में रहते तो हमने तो समय सीमा बताई थी कि हम पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने ना तो तारीख बताई ना तो समय बताया। अब जनता इंतजार नहीं करे, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है और एक महीने के अंदर अगर 19 लाख रोजगार अगर इन लोगों ने नहीं दिए, तो जनता के साथ जन आंदोलन हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। तेजस्वी, AIMIM के विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने सदन में आपसे उस वक्त कहा, उर्दू में शपथ लूंगा लेकिन भारत की जगह जो ट्रांसलेशन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बोलने से परहेज की इजाजत उन्होंने मांगी, तो हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहते। हमको लगता है कोई भारत से भी किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान से क्यों परहेज, उसको क्या मानते हैं? आपका सवाल है तो आप मतलब आपको भारत से परहेज है क्या?